आ जाओ टीवी देखने आ जाओ सारे का सारे इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है होंगे मगर अपना नाम उन मस्तानों में नहीं आता। पर चलो जिनका नाम उन मस्तानों में आता है या नहीं आता सभी का वेलकम है और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। अरे आज के एपिसोड को होस्ट करने आई थी हीना खान, बट हीना खान के आने से पहले भाई यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही थी जिशान और मिलिंद गाबा के बीच में, जो ये डिस्कस कर रहे थे यार कि मतलब सारी बातें लड़कियों को ही बोलने दी, जैसे शमिता को बोलने दी गई, भाई नेहा को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने दिया, उतना लड़कों को मौका नहीं दिया कि वो एक्सप्लेन कर पाए। फिर बात करती है फेमिनिज्म की, और वहां पर प्रतीक दूसरी तरफ ये बोल रहा था यार करण जोहर ने बोल दिया ना इट्स ओवर यार, अभी आगे बढ़ो, आगे की सोचो, अब पीछे जो हो गया हो गया। मगर इस पूरे सीन के अंदर मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जिशान का मोरल डाउन नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे को लगा कि करण जोहर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं उसको कॉन्फिडेंस खा जाऊं यहाँ पर, वो कहीं पर होता हुआ दिखा नहीं। यहाँ पे बंदे ने अपनी नाराजगी जाहिर कर ही दी। चलो बात करते हैं हीना खान की। हीना खान घर के अंदर आई, कुछ टास्क खिलवाए, उन टास्क के अंदर जो मेन हाईलाइट थी मैं वही बताने वाला हूँ। हीना खान शुरुआत करती है रक्षाबंधन के पावन पर्व के ऊपर हार्दिक शुभकामनाओं से, और उस शुभकामनाओं के बाद ये बोलती है कि हम आपको कुछ वीडियो मैसेजेस दिखाने वाले हैं आपके घर वालों की तरफ से। हालांकि सारे घर वालों ने अच्छी अच्छी बातें बोली, मगर किसी किसी ने गेम को लेकर भी यहां पर कुछ हिंट पास करे, जैसे कि मूस की फैमिली ने बोला कि यार जी और मिलिन से थोड़ा सा बच कर रहो, और प्रतीक की सिस्टर ने प्रतीक को ये बोला कि फालतू के लोगों के पीछे भागना या चलना या दौड़ना छोड़ दे, मत जा, टाटा बाय बाय, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और शिल्पा शेट्टी यानी कि शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी ने उसको एक मैसेज पास किया कि भाई नमक कम है, मिर्ची है, भाई ऐसे करके कुछ मैसेज पास करा जो कि कोडिंग है भाई। अब इसको डीकोड सिर्फ या तो शमिता शेट्टी कर सकती है या फिर शिल्पा शेट्टी कर सकती है, बट शिल्पा शेट्टी को देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यार जो बंदी की फैमिली में भाई चीजें चल रही है, और बंदी फिर रियलिटी शो में भी वापिस आ चुकी है एज अ जज, तो यार एक बहुत ही एग्जांपल यहाँ पे सेट कर रही है स्ट्रांग वुमेन का। गाइस नेक्स्ट टास्क आती है यार फोम टास्क, मतलब कि जो आपको जिसको भी आपको टारगेट करना है उसके मुंह पे फोम लगा दो, मतलब ये तो फुद्दू बनती होगी ना यार कि कल करण जोहर आया था, करण जोहर सबको भाई सूला करवा के गया, सबको बोल गया कि लड़ो मत आगे बढ़ो भाई, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ। और आज आ गई हीना खान जो एक ऐसी टास्क करवा रही है जिससे कि घर वालों के दिलों के अंदर फिर से आग फूंक दी गई है, और ये टास्क थी फोम टास्क जिसके अंदर की आपको ये बताना था कि आप आने वाले हफ्ते के अंदर किसको टारगेट करने वाले हो। ये देख लो भाई बिग बॉस की टास्क दिए, खुद ही जानना चाहते हैं कि भाई बताओ आप किस किस को टारगेट करना चाहते हो, फिर क्योंकि बिग बॉस अपनी टास्क को उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेगा, टीमों को वैसे ही डिवाइड कर देगा, और यही तो मजा है भाई गेम का। अक्षरा ने शमिता के चेहरे पर फॉर्म मार दिया, और भाई दिव्या ने यहाँ पर मतलब शमिता को भी एकदम ऐसी बेकार बता दिया, उसके बाद अक्षरा को भी ऐसी बेकार सा बता दिया, और साथ में बोलती नेहा तो मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब नेहा मुझे दिख जाए ना तो मतलब मेरे को भाती नहीं, वो वाई भी मैच नहीं करती, एनर्जी नेगेटिव ही आती है। अब बात आती है भाई जिशान की। जिशान भाई वही डिप्लोमेटिक चीजें फिर से बोलने लग जाता, भाई सीधा क्यों नहीं बोलता यार ये बंदा, मतलब बोल रहा है भाई मेरा नाम है प्रतीक, प्रतीक भी वही बोलेगा मेरे बारे में, मैं भी प्रतीक के बारे में वही बोलूंगा, वो उसको भी लगता है कि भाई मैं स्टैंड नहीं लेता, मुझे भी लगता है मैं स्टैंड नहीं लेता, भाई अपनी बुराई खुद ही कर रहा है फिर से। मतलब ये कि भाई इसको बताना था प्रतीक के ऊपर, ये प्रतीक की तरफ से भी आंसर खुद को देता जा रहा है, क्या करूं मैं इसका क्या करूं। और फिर बोलता है प्रतीक मेरा कंपटीशन भी है। अब जब गाइस प्रतीक की बारी आई, प्रतीक बोलता है इनमें से मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैं नहीं मानता किसी को कंपटीशन इनमें से, सही भी आंसर दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे भी नहीं लग रहा कि प्रतीक का कोई कंपटीशन कर सकता है अभी। अभी देखो बिग बॉस 15 के अंदर कौन आता है वो हम नहीं जानते, मगर अभी तक भाई अपने चैनल के पोल के अकॉर्डिंग प्रतीक नंबर 1 चल रहा है। तो गाइस प्रतीक ने यहाँ पर गेम के अकॉर्डिंग दिया डिसीजन, ना कि अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से। अब बाकी अगर आप जिशान को देखो तो पर्सनल ग्रजेस होल्ड करते हुए प्रतीक पर अटैक कर दिया, मगर प्रतीक यहाँ पे गेम प्लान कर रहा है अपने घर के मुद्दों पर, तो उसने शमिता का नाम लिया, क्योंकि शमिता ने जो गाली वाली करी वो, और साथ में जो औरत और औरतों की रिस्पेक्ट करो भाई मर्दों की मत करो, वो सारे मुद्दों को लेते हुए उसने शमिता शेट्टी को स्प्रे कर दिया। इन्हीं का साथ देते हुए निशांत और मूस ने भी शमिता के चेहरे को फिर से एक बार फॉर्म कर दिया। बट यहाँ पे मेरे को हीना खान की एक बात सही नहीं लगी, जब प्रतीक आया और प्रतीक शमिता के बारे में बोलने लगा तो उसको बोलने नहीं दे रही थी वो बंदी, और फिर हीना खान ये बोल रही है प्रतीक आई थिंक इस घर में सभी गलतियां तो करते ही होंगे ना प्रतीक। प्रतीक बोल रहा हाँ गलतियां करते होंगे, मगर हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, इनको लगता है कि ये गलतियां ही नहीं करते।
फिर हीना खान प्रतीक को ये बोल रही है। अच्छा प्रतीक, फिर गलतियों से जज नहीं करना चाहिए ना, मतलब यार पागल है बंदी। कल फिर करण जौहर क्या कर रहा था, वो गलतियों से ही तो जज कर रहा था ना, ये गेम क्या है, गलतियों से ही तो जज कर रहे हैं हम। अब हीना खान का कहना ये है कि शमिता शेट्टी की गलतियों से उसको जज मत करो, और जो जज कल करण जौहर करके गया वो सब जायज है। तो प्रतीक ने भी वही बोला, यार ये गेम ही जजमेंट का यार, अपनी ओपिनियन और स्टैंड लेने की तो गेम है। फिर दीदी चुप होगी, वेरी फाइन वेरी फाइन वेरी फाइन वेरी फाइन। और गाय जब शमिता शेट्टी अपने लिए सफाई देने लगी तो पहले तो बोलती प्रतीक गालियां देता है, उसके बाद सारे घर वाले बोल रहे नहीं प्रतीक ने गाली नहीं दी कभी, गाली नहीं दी। फिर बोली अच्छा गाली नहीं देता मगर उसका इंस्टीगेशन ही वैसा होता है। और गाइस अगली टास्क आती है फट्टू टास्क की। अब देखो इस टास्क के ऊपर मुझे भी सबकी राय जाननी है, क्योंकि अपने सर्वे में वही सब काम आने वाली है चीजें। तो आप भी बताना कि भाई आपको फट्टू कौन लगता है, प्रतीक या जिशान, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वैसे घर वालों के अकॉर्डिंग चार चार वोट पाकर दोनों में ड्रॉ हो चुका है मैच, मतलब कोई भी नहीं जीता। मगर इस ड्रॉ में दो शॉकिंग वोट मुझको किसके लगे, नेहा एंड मूस दोनों ने बोला कि प्रतीक फट्टू है, जो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। अब देखो पर्सनली अगर मैं बोलू भाई कि कौन फट्टू है कौन फट्टू नहीं है, तो मैं इतना ही बोलूंगा भाई प्रतीक मुझे कहीं से फट्टू नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन लेता है और बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड भी लेता है भाई, लड़ जाता है वो बंदा। और ये घर वाले ही बोलते हैं कि प्रतीक हर बात पे इंस्टिगेट करता है, हर बात पे लड़ता है, इसको हर बात में बोलना होता है। फिर दूसरी तरफ ये कैसे कह सकते कि प्रतीक फट्टू है। पर यहाँ पे नेहा ने तो गेम खेली है भाई, क्योंकि जिशान को उसने बचाया है और प्रतीक को फट्टू का वोट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं वो यही कैलकुलेट कर दिया कि जिशान कैप्टन है तो कल को ये ना उसके पास कुछ ऐसी पावर आ जाए जिसकी वजह से ये नॉमिनेट हो जाए। तो अभी नेहा आई थिंक इससे दुश्मनी नहीं लेना चाह रही। मगर मूस को क्या हो गया भाई, मूस ने क्या रीजन दिया किसी को समझ में नहीं आया। सबको ये लग रहा कि अभी ये पकड़ कर रही है, अभी जिशान को दे देगी। अब जितना मेरे को समझ में आया मूस ने किस बेसिस के ऊपर दिया है, तो उसने उसी बेसिस के ऊपर दिया है कि भाई प्रतीक उससे गुल्लू उल्लू नहीं कर रहा और वो दूर भागता रहता, तो इस नजरिए के अंदर वो फट्टू है। बहन ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दो हफ्ते की गेम के ऊपर तुमको डिसीजन देना है, वो पर्सनल लेगी कि उसके साथ कैसा है, मतलब उसके साथ अगर लड़का नहीं घुल रहा तो लड़का फट्टू। और बस ये टास्क होती है यहीं पर समाप्त। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत इधर उधर पकड़ पुकर चलती रहती है। उन पकड़ में से मेन हाईलाइट गाइस ये है कि भाई अपन राकेश शमिता को ये बोलता है आई थिंक ये नेहा हैज फॉलन फॉर प्रतीक, और वो बोल रही है नहीं ऐसा आया मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है। दोनों के बीच में मतलब ये चर्चा चल रही है कि नेहा जो है वो प्रतीक के ऊपर डोल गई है, मगर शमिता बोलती है नो शी इज मैरिड। तो गाइस अब आप ही बताओ कि नेहा क्या सही में डोल गई है या नहीं डोली है, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं बता दूंगा इस चीज के ऊपर कल के रिव्यू के अंदर। तो गाइस कल सुबह मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जो है भाई साथ क्या निभाओगे का रोस्ट है, टोनी कक्कड़ का जो गाना आया सोनू सूद के साथ उसका, तो देख लेना वो वीडियो 11-12 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगी। तो अभी के लिए चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन अनदर वीडियो, बाय।